व्यवस्था पर पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड की नीरा यादव ने सवाल उठाया है। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था पर फोकस नहीं कर रही है और इस वजह से शिक्षा विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है। कार्यकाल में शिक्षा विभाग में जितनी भी योजनाएं थी उसके बारे में जिक्र करते हुए कहा कि रघुवर सरकार में शिक्षा विभाग की स्थिति काफी बेहतर थी, बच्चों को फायदा भी मिल रहा था, लेकिन इस सरकार ने सब ध्वस्त कर दिया। एवं ग्रामीण असमानताएं थी। हमारा झारखंड का भौगोलिक स्थिति बहुत अलग ढंग से है। कहीं पर जाइएगा तो शहर मिल जाएगा, फिर आपका ग्रामीण मिल जाएगा। तो ये काफी असमानताएं थी जिसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई। पुराने पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया, आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया गया, रोजगार परक शिक्षा का बहुत अभाव था जिसे की रोजगार परक शिक्षा देने की कोशिश की गई कि हमारे पास बेरोजगारी तो बच्चे बहुत है, बेरोजगार है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी में वो ज्यादा संख्या न बढ़े, इसलिए रोजगार पर ताकि बच्चे ही खुद रोजगार देने का काम करें। शोध एवं विकास के क्षेत्र में नगण्य काम हुआ था, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो गुजरात और राजस्थान और तीसरा झारखंड में, आप समझ सकते हैं, और इसमें फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस साइंस, कई महत्वपूर्ण विषयों पे पढ़ाई शुरू की गई। साथ ही साथ 11 जिलों में बहुउद्देश्य परीक्षा भवनों का निर्माण हुआ। आप देखते होंगे कि कॉलेज छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हो गई भाई? क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल